हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ प्रियांश क्या होता है, प्रियॉन्स की जो विशेषता क्या होती है, उनके रोग उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं और प्रमुख रोग क्या होते हैं, प्रियॉन्स में रोग जनित उपचार क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं वर्णन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं प्रियॉन्स जो है क्या होता है। तो प्रियॉन्स शब्द जो है रूप से प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, इसके साथ न्यूक्लिक अम्ल जो है नहीं पाया जाता है। ये मनुष्य एवं क्या होते हैं जंतु में जो है रोग उत्पन्न करने में जो है सक्षम होते हैं, यानी कि इनमें न्यूक्लिक अम्ल जो है नहीं पाया जाता है, जो कि मनुष्य यानी कि जंतु के में जो है रोग उत्पन्न करने में जो है सक्षम होते हैं। और क्या होते हैं कि शेष जो रोग कारक जो जीव होते हैं, जैसे कि जीवाणु हैं, कवक है, प्रोटोजोआ है, निमेटोड है एवं विषाणुओं से, ये सर्वथा क्या होते हैं ये जो है भिन्न होते हैं। कौन ये जीवाणु कवक, जो कि क्या हो जाते हैं रोग कारक क्षमता का जो है विकास अणु में होने वाले असामान्य 3D एवं 4D मिसफोल्डिंग के कारण जो है होता है, यानी कि इसमें रोग कारक जो क्षमता है उसका जो विकास है 3D एवं 4D जो है मिसफोल्डिंग के कारण जो है हो जाता है। अब देखती है प्रियॉन्स की विशेषता क्या होती है। तो इनकी विशेषता कुछ इस प्रकार से है कि इनमें प्रियॉन जो होता है क्या होते हैं असामान्य मिसफोल्डिंग यानी कि फोल्डिंग वाले प्रोटीन होते हैं, ये मनुष्य एवं जंतु में रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इनकी जो उत्पत्ति है क्या होती है अज्ञात जीन्स में होने वाले वंशानुगत उत्परिवर्तन के कारण जो है होता है। किसके कारण होता है ये जीन्स में क्या होती है उत्परिवर्तन होने के कारण जो है इसमें जो है इनकी उत्पत्ति जो है जीन्स में होती है। भौतिक रासायनिक यूवी किरणों का जो है प्रियॉन्स पर क्या हो जाते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो है जैसे अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है उसका जो है प्रियॉन्स जो होता है उस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं इनके रोग जो उत्पन्न होती है उसका क्या है कारण क्या होता है, किस पर इस प्रियॉन्स पर। तो उसके कारण क्या होते हैं कि इनमें संक्रमित क्या होते हैं संक्रमित जो कोशिका होती है उसमें प्रियॉन्स द्वारा जो है आण्विक समुच्चय का जो है निर्माण होता है, प्रियॉन्स द्वारा जो है समुच्चय का एक निर्माण हो जाता है जिन्हें एमाइलाइड्स कहते हैं। ये कोशिका में एकत्रित हो जाती है और कोशिका या ऊतक की जो है मृत्यु कर देते हैं। किसका कोशिका या ऊतक की जो है मृत्यु हो जाती है किसके एकत्रित होने से कोशिका में जो है एमाइलाइड्स एकत्रित होने से, तथा यह एमाइलाइड्स जो होती है मस्तिष्क कोशिका में जो है उपस्थित होने के कारण मनुष्य में क्या हो जाती है अल्जाइमर्स एवं पार्किंसन जो है रोग हो जाता है, जो है पार्किंसन जो है यह रोग उत्पन्न हो जाती है। ये सभी जो रोग होते हैं वे क्या होते हैं न्यूरोजेनरेटिव प्रकृति के जो है होते हैं। इस प्रकार से जो है रोग उत्पन्न होने के जो है कारण हैं। अब देखते हैं प्रियॉन्स द्वारा होने वाले जो प्रमुख रोग है वे क्या है। तो जैसे कि मनुष्य जो होता है इस मनुष्य में जैसे कि क्रिचफेल्ड है, जैकब रोग इसके द्वारा हो जाता है, जेस्टमेन से जो है स्टॉलर सिंकर रोग हो जाता है, कुरू रोग से क्या होता है किस में होता है यह मनुष्य में होता है। अब आते हैं पशु में स्क्रैपी जो होता है जैसे कि गाय भैंस, क्रोनिक पॉस्टिक जो रोग हो जाता है यह खच्चर में जो है पाया जाता है, यानी कि यह रोग जो है इनमें होते हैं। अब देखते हैं कि प्रियॉन्स का जो है उपचार यानी कि उसका रोग उपचार कैसे होते हैं। अब प्रियॉन्स का जो रोग उपचार है वह कंप्यूटर मॉड्यूलिंग की सहायता से जो संक्रमित कोशिका के अंदर
प्रियॉन प्रोटीन अणु की जो है मिसफोल्डिंग को जो है प्रभावित करता है, किसकी, संक्रमित जो है कोशिका के अंदर, प्रियॉन जो होती है इसके अणु के जो है मिसफोल्डिंग यानी कि इसको जो है हटाने का जो है प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब आता है दूसरा जो पॉइंट है वह एंटी प्रियॉन, यह एंटीबॉडीज का जो है विकास किया गया है जो रक्त प्रवाह के साथ मस्तिष्क कोशिका में जाकर क्या करता है प्रियॉन अणु को जो है निष्क्रिय बना देता है। तीसरा जो पॉइंट है वह शोषित मांस पर क्या करता है दाब, जो दाब होता है इस दाब के प्रभाव से क्या कर लेता है उसकी कोशिकाओं में उपस्थित क्या हो जाती है प्रियॉन अणु की संक्रामकता जो होती है उसको कम कर देता है यानी कि कम करने का जो है कार्य करता है। चौथा जो पॉइंट है जिसमें क्या है HG1/1027 अमरीकी जो संश्लेषण जो क्या होती है प्रियॉन को जो है निष्क्रिय करते हैं। इस प्रकार से जो है इनके रोग का उपचार जो है इन विधि द्वारा जो है किया जाता है, कंप्यूटर द्वारा, एंटीबॉडीज द्वारा, दाब के द्वारा जो है इसको क्या है निष्क्रिय किया जाता है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।